बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, भाई की हालत गंभीर, रेफर। खबर को विस्तार से जानने से पहले एक आग्रह, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने तथा बेल आइकन दबा ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शहर और गांव की खास खबर तथा प्रेरक कथाओं के लिए देखते रहिए अपना मनपसंद ड्रामा। नवादा अंडरस्कोर जमुई पथ पर रविवार 11 फरवरी की सुबह बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ में रहा दूसरा भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना पकड़ी ब्रावा बाजार में मोहन बिगहा के पास हुई। आक्रोशित लोगों ने बस को फूंक दिया। बताया जाता है कि पकड़ी ब्रावा बाजार के कोयरी टोला निवासी मारिक महतो उर्फ आमो के दो पुत्र दीपक कुमार और बिपिन कुमार बाइक से अपने ननिहाल पकड़ी ब्रावा थाना क्षेत्र के ही गोपालपुर गांव जा रहे थे। नाना की तबीयत खराब रहने की सूचना पर दोनों भाई उन्हें देखने जा रहे थे। पकड़ी ब्रावा बाजार पार करने के दौरान ही जमुई की ओर से आ रही यात्री बस पांडे ट्रेवल्स से बाइक की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में दीपक की मौत हो गई, जबकि विपिन गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी का प्राथमिक उपचार पीएचसी पकड़ी ब्रावा में हुआ, वहां से उसे सदर अस्पताल नवादा रेफर कर दिया गया है। इधर हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। लोग बता रहे हैं कि जिस वक्त बस को आग लगाई जा रही थी उस वक्त पुलिस भी वहीं मौजूद थी, लेकिन भीड़ का आक्रोश कहे या पुलिस बल की कमी, मौजूद पुलिस अफसर और जवान तमाशबीन बने रहे। इस घटना के बाद सड़क पर परिचालन बाधित हो गया। दमकल के सहारे आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग बस को पूरी तरह से ले चुका था। फिलहाल पुलिस अंडरस्कोर प्रशासन के अधिकारी स्थिति को सामान्य बनाने में जुटे बताए गए हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।